नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलवान अमन को कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई, बोले पूरा देश मना रहा है जश्न। लंबे समय तक भारत रुक सकती है शेख हसीना, यूएस ब्रिटेन की हाथ खींचने के बाद अब कई देशों में तलाशे जा रहे विकल्प। इंडियन आर्मी के जो बचाव अभियान के बाद वायनाड में भारतीय सेना के जवानों को मिली भावपूर्ण विदाई। रूसी सेना में अभी भी है 69 भारतीय, स्वदेश लाने की कोशिश में केंद्र सरकार। विदेशी मंत्री बोले गलत तरीके से हुई भर्ती। यूपी बिहार में गंगा लगातार दूसरे दिन उफान पर, हिमाचल में 145 सड़कें हुई बंद। जमानत नियम और जेल अपवाद, मनीष सिसोदिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से ईडी सीबीआई तक जमकर लगाई लताड़। कोविड मामलों में वृद्धि के लिए दो स्ट्रेन जिम्मेदार, जेपी नड्डा बोले गंभीर मामलों में वृद्धि नहीं हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से मिले राहत, बेटी से जुड़े वैवाहिक विवाद मामले में नहीं होगी आपराधिक कार्रवाई। भारत सरकार की साजिश, विनेश फोगाट मामले में किसान नेता राकेश टिकैत का आया बड़ा बयान, कहा कि आरोप लगाते हुए दी चेतावनी। जोर पकड़ने लगी उदय निधि को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग, सीएमएम के स्टालिन बोले अभी समय नहीं आया। बांग्लादेश में हिंदू बहनों से दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, जांच में जुटी पुलिस। हम इसी देश में पैदा हुए और यहीं मर जाएंगे, बांग्लादेश में हो रहे हमले के बीच हिंदुओं की भावुक अपील। वक्फ संशोधन बिल के लिए 31 मेंबर की जेपीसी, ओवैसी के साथ सपा के मुहिबुल्ला और कांग्रेस के इमरान मसूद भी इसमें शामिल। अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या का मामला, छात्र संगठनों का सड़क जाम पर प्रदर्शन। लाडली बहन योजना पर सवाल उठाने वाले सौतेले भाइयों से सावधान, सीएम एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर पलटवार। अयोध्या में गैंगरेप पीड़िता के जीएमयू से डिस्चार्ज, हालात में सुधार होने पर डिस्चार्ज हुई पीड़िता। बरेली में बेटे को तड़पता देख 80 साल की मां ने भी खा लिया जहर, दोनों की हुई मौत। बलिया में खेत में बेसुध मिला प्रेमी जोड़ा, युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। सांपों के संरक्षण के लिए वन विभाग जारी करेगा हेल्पलाइन नंबर, नुकसान पहुंचाने पर लिया जाएगा एक्शन। बैडमिंटन खेलते समय बेहोश हुआ नवोदय का छात्र, इलाज के दौरान हुई मौत।
गर्भवतियों से 20-30 हजार में सौदेबाजी, ढूंढ लिंग जांच के खेल में गई कई डॉक्टरों के नाम के हुए खुलासे। वाराणसी में 1000 बच्चे तिरंगे के साथ करेंगे ललित का स्वागत, 3 जगहों पर बनेगा स्वागत द्वार। चौदह साल की दुष्कर्म पीड़िता ने दिया बच्ची को जन्म, 3 युवकों ने की थी दरिंदगी। आधार कार्ड अपडेट कराना नहीं रहा आसान, अपॉइंटमेंट के नाम पर ठगी, लोग हो रहे परेशान। बहराइच में पति के बुलाने पर दिल्ली में जॉब कर रही पत्नी नहीं लौटी घर, पति ने फांसी लगा कर दी जान। लखनऊ में बाबा बनकर ठगी करने वालों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, बंधक बनाने के बाद आक्रोशित भीड़ ने सभी को जमकर पीटा। लखनऊ में होटल दीप के पास रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, लंबा जाम लगने के बाद मौके पर मौजूद रही पुलिस। लखनऊ में किसान पथ पर पीछे से आ रही ट्रक ने बस को मारी जोरदार टक्कर, डिवाइडर से के पास मौजूद एक बच्ची को आई चोट। मिर्जापुर में देशी शराब की दुकान में चखना बनाते समय लगी आग, गैस सिलेंडर लीकेज से लगी आग। लखनऊ में देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से पैदा होगी 450 मेगावाट सौर ऊर्जा। लखनऊ में यूपी के 6 नए मेडिकल कॉलेज को जल्द मिलेगी केंद्र सरकार से मान्यता, मान्यता मिलने के बाद प्रदेश में बढ़ जाएगी एमबीबीएस की 700 सीटें। लखनऊ के पीजीआई में 13 संवर्ग के संविदा कर्मियों का बढ़ा मानदेय, मानदेय में 5-7 हजार महीने की हुई बढ़ोतरी। लखनऊ में 81 केंद्रों पर होगी पुलिस भर्ती परीक्षा, रेलवे बस स्टेशन पर अभ्यर्थियों के लिए बनेगी हेल्प डेस्क। गाजीपुर में गंगा की बाढ़ में गिरा मकान, कटान के चलते गंगा में समाया मकान, मकान में रहने वाले लोग अभी सुरक्षित। लखनऊ में घुमंतू गिरोह के 2 इनामी बदमाश हुए गिरफ्तार, अमर और किशन को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में आगामी उपचुनाव को लेकर सपा की तैयारी, इरफान सोलंकी की पत्नी पर लगा सकती है दांव। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का एक्स पर पोस्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एससी एसटी सांसदों की हुई मुलाकात। सपा महासचिव ने ढहे पुल का बनाया वीडियो, बरसात में ताश के पत्तों की तरह ढह गया पूरा पुल। जालौन में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़, बोलेरो सवार ने धनाधन की गोलियों की बारिश। आत्मदाह पीड़िता का केजीएमयू में चल रहा इलाज, लाचार मां ने लगाई सीएम योगी से गुहार। प्रयागराज एसपी के नेता को मिली जान से मारने की धमकी, मामले को लेकर विधायक ने थाने में दी तहरीर।
श्रावस्ती एसएसबी जवानों ने डूबते लोगों को बचाया, 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। श्रावस्ती में डीएम ने दहावर कला बांध पर किया पेट्रोलिंग, ग्रामीणों से मिलकर डीएम ने सुनी सबकी समस्याएं। जालौन गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, 1.5 करोड़ की संपत्ति को किया कुर्क, फर्जी बैनामा करा के की थी अवैध कमाई। लखनऊ में 7 घंटे बिजली कटौती, मरम्मत के कारण डालीगंज, फैजुल्लागंज, लौलाई और अहिबरनपुर सहित कई इलाकों में की गई बिजली कटौती। खतरे में नैनीताल का गांव, दरकती जमीन, घरों में पड़ी दरारें, खौफ में जीने को मजबूर ग्रामीण। प्रेमी को सांप से डसवाने की आरोपी माही को जमानत, घटना में शामिल नौकर नौकरानी समेत 4 लोग अभी भी जेल में। देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में जाने से बचे। डेढ़ सौ मीटर सड़क की हुई अस्थायी मरम्मत, सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच हाईवे पर पैदल आवाजाही हुई शुरू। केदारनाथ को वैकल्पिक पैदल मार्ग से जोड़ने की कवायद शुरू, सर्वेक्षण के लिए दल हुआ रवाना। सासपुर में तैनात सिपाही को बाइक ने मारी टक्कर, दूसरे सिपाही ने चालक को पीटा। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी में बैठाने के लिए चालकों ने यात्रियों पर बरसाई लाठियां, वीडियो हुआ वायरल। सितंबर में प्रदेश आ सकते हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, दून में बड़ी रैली कराने की तैयारी। देहरादून में एक युवक ने बेटे की चाहत में 2 शादियां की और 2 लिव इन रिलेशनशिप भी बनाए, महिला ने बताई करतूत सुनकर आयोग भी हुआ हैरान। भगवान नर नारायण की डोली पहुंची माता मूर्ति मंदिर, 2 दिवसीय जयंती महोत्सव हुआ शुरू। देहरादून के ड्रेनेज प्लान के लिए मुसीबत बना दूर का ठेका, बारिश में शहर में जलभराव। देहरादून में पर्वतीय जिलों में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का उत्साह, कई जगह ग्रिड पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मांगा गया बजट। रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी में बैठाने के लिए चालकों ने यात्रियों पर बरसाई लाठियां, वीडियो जमकर हुआ वायरल। मुख्य आरोपी पुल के तार अल्मोड़ा जेल शिफ्ट, जेलर से की थी हाथापाई, मुकदमा किया गया दर्ज। दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से 27 यात्री पहुंचे धाम, 23 वापस लौटे, 2 दिन में 77 यात्रियों ने किए दर्शन। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा पर अमेरिकी सांसद ने जताई चिंता, विदेश मंत्री को लिखी चिट्ठी। फिजी न्यूजीलैंड के बाद तिमोर लेस्ते पहुंचे राष्ट्रपति मुर्मू, द्विपक्षीय वार्ता में लेंगी भाग।
ढाका विरोध प्रदर्शन में यूएस की संलिप्तता में सबूत नहीं, पश्चिमी देशों पर बरसे शेख हसीना के बेटे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को न्याय मिलने तक नहीं रुकेंगे, भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद थानेदार का आया बयान। ताइवान की हवाई सीमा में दाखिल हुए चीन के 22 लड़ाकू विमान, जल क्षेत्र पर भी ड्रैगन की नजर। ब्राजील के साओ पाउलो में विमान हादसे में 61 लोगों की मौत, चालक दल समेत सभी थे सवार। आवामी लीग पर निर्भर नहीं दोनों देशों के रिश्ते, हसीना को शरण देने पर बीएनपी की प्रतिक्रिया। कबड्डी टूर्नामेंट में हिंसा फैलाने के आरोप में भारतीय मूल के 7 दोषी करार, डर्बी क्राउन कोर्ट सुनाएगी सजा। शपथ के बाद बोले यूनुस, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्राथमिकता, अंतरिम सरकार में शामिल चेहरों को जानिए। इराक में लड़कियों की शादी की उम्र घटाने के लिए विधेयक पेश, 18 साल से घटाकर 9 साल करने का प्रस्ताव रखा। सरकारी बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.40% तक ब्याज, आरबीआई ने जमा दिक्कतों से निपटने की दी सलाह। व्हाट्सएप लाएगा छोटे कारोबारियों के लिए एजेंट की तरह काम करने वाला चैटबॉट, बिजनेस बढ़ाने में करेगा मदद। मासिक निवेश 23,000 करोड़ के पार, लार्ज स्मॉल और मिड कैप में कमी से इक्विटी फंड में 9% की हुई गिरावट। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1100 रुपए उछला, चांदी में 1400 रुपए की बढ़त। विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा, 7.5 अरब डॉलर बढ़कर 674.91 अरब डॉलर हुआ। तेल अवीव के लिए एयर इंडिया की उड़ानों का संचालन अगले आदेश तक निलंबित, एयरलाइंस ने दी जानकारी। घर बैठे आधार में ऑनलाइन अपडेट करा सकते हैं पता, इसके लिए देना होगा 50 रुपए फीस। रिलायंस और इंफोसिस में मजबूती से सेंसेक्स 820 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,350 के पार पहुंचा। राजनेताओं के बैंक खातों की जांच प्रक्रिया और कड़ी हो, रिपोर्ट्स में दावा है, एफएटीएफ ने की सिफारिश। अंबानी फैमिली के वेल्थ भारत की जीडीपी का 10%, फैमिली की वैल्यूएशन 25.75 ट्रिलियन। मेरे लिए भारत सर्वप्रथम, पदक की तैयारी में व्यस्त हरमनप्रीत सिंह ने माना पाए बेटी का पहला जन्मदिन। स्वर्ण जीतने के बाद मालामाल हुए अर्शद, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार देगी 10 करोड़ रुपए का इनाम। रोहित शर्मा ने धीमी और टर्निंग पिचों पर खेलने को लेकर तैयार किया मास्टर प्लान, सीरीज गंवाने के बाद बताया एजेंडा।
जेंडर विवाद के बीच शिमान खलीफा ने पेरिस ओलंपिक में जीता गोल्ड, बायोलॉजिकल मेल होने का लगा था आरोप। फीफा वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं, पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते ही बदले पाकिस्तान के तेवर। कांस्य पदक जीतकर स्वदेश लौटी भारतीय हॉकी टीम, ढोल नगाड़ों से दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। अभिनव बिंद्रा को IOC करेगा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित, इंदिरा गांधी को मिल चुका अवार्ड। माता पिता और देश को समर्पित है ये पदक, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद बोले पहलवान अमन सहरावत। कांस्य जीतने के साथ ही अमन ने अपने नाम दर्ज की खास उपलब्धि, सिंधु को भी पीछे छोड़ा। विनेश के मामले में मानवीय टच, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थॉमस बॉक का आया बयान। स्नो व्हाइट में आमने सामने होंगी गैल गैडोट, राशल जेगलर, जारी होते ही छाया टीजर ट्रेलर। अभिषेक बच्चन ने नीरज चोपड़ा को गले लगाकर दी बधाई, लारा दत्ता ने सेल्फी के साथ शेयर किया फैन मोमेंट। कीमोथेरेपी से हिना खान के पैर सुन पड़े बोली, वर्कआउट के दौरान बैलेंस खो देती हूँ, गिर जाती हूँ। मेल स्टार्स को बच्चे नहीं संभालने पड़ते, मीनाक्षी शेषाद्री ने बताई मेल स्टार्स के बॉलीवुड में लंबा टिकने की वजह, एक्ट्रेस को शादी के बाद छोड़नी पड़ी इंडस्ट्री। यूके वीजा ना मिलने पर संजय दत्त ने तोड़ी चुप्पी, बोले पहले वीजा दिया और फिर रद्द कर दिया। तापसी को दुबई में प्रपोज करना चाहते थे उनके पति, एक्ट्रेस बोली दोस्तों को लगा वे मुझे शेख लोगों को बेच देंगे। अर्जुन रामपाल का एक्स अकाउंट हुआ हैक, नीरज चोपड़ा के बारे में था आखिरी ट्वीट। क्यारा अब इनको नहीं छोड़ेंगी, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मॉडल का कोजी वीडियो देख फैंस दिए रिएक्शन। पेरिस ओलंपिक 2024 में रेसलर अमन सहरावत की जीत का बॉलीवुड सेलेब्स ने मनाया जश्न, गर्व के साथ दी बधाई। बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी उलझ, 8 दिनों की कमाई देख मेकर्स की उड़ी नींद। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।